बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जानिब से क्वेश्चन रेज किया जा रहा था, और जो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो है वो एक बड़ा इशू है जिसे लेके क्लाइंट्स डबल माइंडेड रहते हैं। तो आज का जो व्लॉग ये मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर के हवाले से बनाने जा रहा हूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि मैं नाइट्रोक्स लगा रहा था। नाइट्रोक्स के साथ हमें एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि इसके साथ एक सीटी होती है जिसको हम वापडा इनपुट पे डाल देते हैं, तो ये एक्चुअल पावर जो इसके अंदर आ रहा होता है वापडा से, तो वो कैलकुलेट हो जाता है। तो इस वक्त आप मेरे सामने जो स्क्रीन देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं इनवरेक्स के नाइट्रोक्स की, और इस वक्त अगर आप देखना चाहें तो जो लोड सोलर से चल रहा है इस वक्त वो 0.35 किलो वाट है, मतलब 300-350 वाट चल रहे हैं, आ रहे हैं सोलर से, और इतना ही लोड चल रहा है। जबकि अगर आप वापडा साइड पे देखें तो 0.02 आ रहा है। 0.02 जो है ये एक्चुअल कंजप्शन है जो ये वापडा से कर रहा है, इसको हम कहते हैं ये एक्चुअल पावर है, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिव पावर की तरफ हम आते हैं। तो ये हमारा इसमें वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है, ये बता रहा है कि इस वक्त जो करंट वापडा से लिया जा रहा है वो 0.9 एम्पेयर है, या अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पेयर है, जो कि 220 वाट या 200 वाट के अराउंड ये बनते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन दिखाने का मकसद ये था कि ये जो सीटी है वो हमने इसमें जो वापडाइन हो रही है उससे पहले लगाई थी, जो रिएक्टिव, ये रिएक्टिव फिगर्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर अपनी जनरेशन कर रहा है सोलर साइड से उसकी वजह से जो पावर बन रहा है ये फॉल्स फिगर में ये आपको बताता है। तो मोस्ट कॉमनली जो हम एम्पेयर मीटर यूज़ करते हैं वो भी इसी फिगर को दिखाते हैं कि जो रिएक्टिव पावर होता है वो हमें शो करा रहे होते हैं, जिससे क्लाइंट को लगता है कि यार मेरा सोलर भी काम कर रहा है, मेरी वापडा से भी इतने वोल्टेज ले रहा है, तो इन्वर्टर खुद क्या कर रहा है। तो इस वजह से वो हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो आज उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये व्लॉग मैंने बनाया है। काफ़ी दोस्त जो हैं जो इंस्टॉलर्स हैं पंजाब साइड पर इधर और कराची में भी, तो उनसे ये क्वेश्चन मुझसे फ़ोन पे बार बार कर रहे थे कि एक्टिव रिएक्टिव पावर हम कैसे क्लाइंट को बताएं। तो ये वीडियो उनके लिए है, आप अपने क्लाइंट्स को दिखा दें कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर में डिफरेंस ये होता है। तो इसका एक चीज़ मैं और भी दिखा दूँ, इसमें हमने काफ़ी सारे मीटर लगा दिए ताकि हम हर तरीके से लोड को मॉनिटर कर सकें। तो ये 1.8 या 1.7 एम्पीयर का इनके घर का लोड है, जो हमारे क्लाइंट हैं ये इस वक्त रनिंग लोड है, ये हमने लोड पे इस मीटर को ऐड किया हुआ है, ठीक है। और ये अगर आप देखें, अभी लाइट चली गई, खैर ये बंद हो गया। तो ये बताने का मकसद ये था इस सिस्टम में कि एक्टिव और रिएक्टिव का जो डिफरेंस है वो आप समझ लें। तो आप अभी भी देख लें कि सोलर से जनरेशन हमारी जो है वो ज़्यादा आ रही है, बैटरी फुल है, लोड सस्टेन है, तो जो वापडा से आ रहा था 0.02 मतलब आपके 20 या 40 वाट के करीब ये रहेगा सिस्टम में। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं SUB के ऊपर, तो जो वापडा से शेयरिंग कर रहा होता है तो वो नॉमिनल इस तरह से होती है शेयरिंग। अगर आपकी बैटरी भी ऑन है, सब चीज़ें ऑन है, और आप कहते हैं, हम जब प्रोग्रामिंग कर देते हैं SUB या SBU की सेटिंग भी कुछ लोग रखते हैं कि शाम को वापडा ऑटो इन हो जाए, तो उसमें थोड़ा बहुत जो वाट्स हैं वो यूज़ होते रहेंगे। तो इसको आप रिएक्टिव पावर के तौर पर लें कि ये आपका रिएक्टिव पावर है जो उसमें शो होता है, नॉट एक्चुअल पावर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। 0.0 अच्छा फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस वीडियो में जो हमने आपको सिर्फ इस बी श्योर करने के लिए कि जो क्लैंप मीटर नॉर्मली यूज होता है उसकी रीडिंग में जो डिफरेंस आता है वो आपने देख लिया है, कि वो भी आपको इस वक्त ये देखें रिएक्टिव पावर जो है वो 0.8 एम्पीयर शो हो रहा है, जबकि एक्चुअल पावर जो इसका कंजप्शन है वो 0.02 एम्पीयर है। सो जो हार्डली 20 से 24 वाट बन रहा है। तो अगर आप SBU की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस पर भी आपको यही रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आप क्लेम मीटर पर चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरी बैटरी चार्ज है फिर भी इतने सारे वाट्स उठा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये रिएक्टिव और एक्टिव पावर के अंदर ये डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिएक्टिव पावर है, देखें 0.8 एम्पीयर अभी भी शो कर रहा है हमें, क्लेम मीटर भी इसी तरह से इसको बताता है। तो जो एक्चुअल पावर है वो ये होता है 0.02, दिस इज़ एक्चुअल पावर।